नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर खूब महाभारत चल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बचाव में बीजेपी के नेता भी जो है हमलावर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा ध्यान सभी अधिकारियों पर है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे शिक्षकों को। लेकिन इस बीच जो है शिक्षक नेता और शिक्षक संघ काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और शिक्षक नेताओं का सीधा सीधा आरोप है 12 MLCO पर। अमित विक्रम, केशव कुमार, ये तमाम शिक्षक नेता, ये सभी लोग हमलावर हैं 12 MLCO पर, जिसमें 6 जो है स्नातक से चुन करके आए हैं और 6 जो है शिक्षकों के वोट से चुन करके आए हैं। इन पर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है और अमित विक्रम ने एक दिन पहले जो है 12 MLCO का लिस्ट भी निकाला था और आज जो है केशव कुमार ने हमला बोला है उन 12 MLCO पर। उनका कहना है कि अगर लड़ाई लड़ना है तो शेर की तरह लड़िए, बंदर की तरह नहीं लड़िए, और एक मच्छर एक आदमी को हिजड़ा बना देता है। इस तरह की बात कहते हुए केशव कुमार नजर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और गुस्सा नेताओं पर, पाठक पर और साथ ही साथ MLC पर भी निकाल रहे हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी के नेता जो है वो तमाम आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षक नेताओं को, लेकिन शिक्षक नेता अब नहीं मानने वाले हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और 12 जो MLC है उनके मुंह पर कालीख पोतने की भी बात चल रही है कि अगर उन्होंने शिक्षकों के हित में आवाज़ नहीं बुलंद किया, नहीं उठाया, तो उन पर जो है हम कार्रवाई करेंगे और उन्हें जो है अगर क्षेत्र में आते हैं तो बंधक भी बनाएंगे और उनके आवाज़ पर जाकर उनके मुँह पर कालीख भी पोतेंगे। तो केशव कुमार क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस वीडियो में सुनिए। एक मच्छर आदमी को हिजरा बना देता है, यह डायलॉग बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है आज बिहार के शिक्षा विभाग में। बिहार के शिक्षा विभाग की स्थिति ऐसी हो गई है जहां कोई कुछ डर से बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। विधायिका का काम है नियम बनाना और कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना। सर्व प्रमुख विधायिका होती है, लेकिन बिहार की विधायिका आज इतनी लाचार हो गई है, जो पत्र पर पत्र लिखते जा रही है, कभी मुख्यमंत्री को, कभी मुख्य सचिव को, कभी राज्यपाल को, लेकिन कार्यपालिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं मान रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो विधानसभा विधानमंडल में घोषणा करते हैं विद्यालय के टाइम 10 से 4, उसको नहीं माना गया कार्यपालिका द्वारा, और विधायिका लाचार है, कुछ नहीं हो पा रहा है उससे। अभी लगातार 1 दर्जन MLC हैं जो शिक्षकों के वोट से चुनाव जीतते हैं। 12 MLC, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उन लोगों की स्थिति तो और बदतर हो गई है। क्योंकि एक तरफ जो शिक्षक है वो अपना गुहार लगा रहे हैं, अपने ऊपर होने वाले अन्याय को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कार्यपालिका ऐसी है जो उनकी कोई बात सुन नहीं रही है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार जंगल के सारे जानवर बैठे और उन्होंने तय किया कि भाई शेर हमारे बच्चे को खा जाता है, हमको मार देता है, इसलिए इसको राजा से हटा दिया जाए। सब लोगों ने, जो जानवर थे उन लोगों ने मिल करके कहा कि कौन बनेगा, तो बंदर कहा कि हमको बना दीजिए, हम शाकाहारी हैं, हम आराम से किसी का नहीं करेंगे और चलाएंगे। सब ने मिलकर बंदर को बना दिया शासक। उसके बाद शेर एक भेड़ को, बच्चा को उठाया और लेकर चल दिया चीर फाड़ कर खाने के लिए। भेड़, जंगल के सारे जानवर आए, वहाँ दौड़े दौड़े सब लगे बंदर से गुहार लगाने की, सरकार, राजा साहब हमारे बच्चे को ले रहा। बंदर इस पेपर से उस पेपर, उस पेपर से उस पेपर, कभी रास्ते में लगा कूदने, कूदने लगा, कूदते कूदते वो अपना शेर अपना खा गया। फिर पूरा दरबार लगा, कहा कि आप तो राजा बने बंदर जी, लेकिन हमारे बच्चे को खा गया। बंदर ने कहा कि हमने मेहनत में कोई कमी किया है, देखा है हम कितना उछल कूद किए हैं, तो हमारा जो औकात है, हमारी जो शक्ति है, वही ना हम करेंगे। फिर सबने हटा करके शेर को जंगल का राजा मान लिया। आज वही स्थिति बिहार के शिक्षा विभाग में है। उछल कूद तो बहुत हो रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ घोटाला, खाली घोटाला, बेंजेस घोटाला, भवन घोटाला, जो है सो सिर्फ घोटाला, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उछल कूद हो रहा है दिखाने के लिए। आज विधायिका की भी स्थिति हो गई है, लोग लगातार खत पर खत लिख रहे हैं
इसलिए कि जब वो चुनाव में जाए, जब वो क्षेत्र में जाए, तो लोगों को दिखाए शिक्षा को कि देखिए हम आपके लिए कम उछले थे, हम आपके लिए कम मेहनत किए थे, लेकिन क्या करें, मंत्री के बात नहीं मान रहा था, मुख्यमंत्री के नहीं मान रहा था, हम क्या करें। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आप तमाम MLC को कि यदि आप सच में चाहते हैं न्याय हो, तो आप 24 घंटा का टाइम लेकर के आमरण अनशन शुरू कीजिए पटना में। आप 24 घंटा के टाइम लेकर के बड़ा आंदोलन कीजिए। आप विधान परिषद से इस्तीफा दीजिए। आप शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं कीजिए। यह जो पत्र लेखन का काम है, चाहे वो किसी भी संघ संगठन द्वारा हो या MLC विधायक द्वारा हो, अगर कोई मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, राज्यपाल को पत्र लिख रहा है, वो शिक्षकों को बेवकूफ बना रहा है। मैं तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि आप बेवकूफ नहीं बनिए, वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए क्षेत्र में आने पर, चाहे वो शिक्षक संघ का नेता हो, चाहे विधायिका का प्रतिनिधि हो। अगर कोई नेता भी पत्र लिखता है, खत लिखता है, ये वो साधारण बीओ तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या राज्यपाल को पत्र लिख रहा है, शिक्षक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। इसको बंद कीजिए। और अभी जो टाइमिंग हुआ है 6 बजे से 1:30 बजे ले, इसको अगर विरोध करना है तो रोड पर उतरिए, स्कूल में तालाबंदी कीजिए, पदाधिकारी का घेराव कीजिए, तमाम कार्यालय में तालाबंदी कीजिए, तब होगा। अभी क्या स्थिति है, 6 बजे विद्यालय जाने के लिए 5 बजे घर से निकलिए, 4 बजे से तैयार होइए, 3 बजे जगिए। आधी से अधिक 70-60% महिलाएं बहाल है, उनको घर में खाना बनाना है, बाल बच्चे को देखना है, सास ससुर बाप मतारी को देखना है, कैसे जाएंगे। तमाम विद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तमाम पदाधिकारी को इसलिए छोड़ दिया गया है गलत टाइमिंग दे करके, ताकि जाओ और जो शिक्षक देर से पहुंचे थोड़ा भी उनको लूटो, उनको नोच करके ले आओ और हमको भी शेयर दो। ये स्थिति आज बिहार के शिक्षा विभाग में बना हुआ है। इस टाइमिंग पर शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इस टाइमिंग पर लगातार शिक्षा में बद से बदतर स्थिति हो जा रही है, विद्यालय में गिरावट हो रही है, शिक्षा में गिरावट हो रही है, और इसके जिम्मेदार तमाम विधायिका और कार्यपालिका के लोग हैं। मैं तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि आप आंदोलन के लिए आगे आए, आप इसको आगे बढ़े, हम तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आखिर बिल्ली के गले में किसी को तो घंटी बांधना होगा, आप हमारा साथ दीजिए, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप कमेंट में बताएं कि हम क्या करें और हम करने के लिए तैयार हैं, हम सब भाई बहन मिल करके लड़े। और अगर इस टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिन में आपका शोषण और बढ़ेगा, आप और कार्रवाई होगी। सिर्फ एक दिन चला है विद्यालय 6 बजे से, और 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गए एक्सीडेंट में। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन पदाधिकारियों पर केस चलाया जाए। मैं तमाम भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए और आप अपना सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना है, और बहुत जल्द हम लोग लड़ाई की घोषणा करें और लड़े। सिर्फ खत लिखने से, प्रेम पत्र लिखने से कुछ इस भ्रष्ट सरकार में नहीं होने वाला है, इस तनाशाह शासक में नहीं होने वाला है, इसलिए लड़ने के लिए आगे आए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। आप तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे सारे शिक्षक भाई बहन इसको देख ले और वो लड़ाई के लिए तैयार हो, जागरूक हो। पुनः एक बार आप सबों का क्रांतिकारी अभिवादन करते करता हूं कि इसको निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन सब्सक्राइब करें। तो आपने सुना कि किस तरीके से केशव कुमार ने बंदर और शेर की कहानी सुना करके उस पर जो है कटाक्ष किया है कि पाठक पर MLCO को घेरा है, और उसमें साफ साफ कह दिया है कि लड़ना है तो शेर की तरह लड़ो, ना कि बंदर की तरह उछलते हुए। तो ये बात जो है उन्होंने सीधा सीधा जो है कि पाठक पर हमलावर रहे और MLCO को बंदर तक कह दिया है, तो लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस पर और कितना गहमा गहमी होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और नेताओं की भी जुबानी जंग शिक्षकों को लेकर तेज हो गई है, तेजस्वी यादव समर्थन में उतर गए हैं शिक्षकों के। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।